हरे कृष्णा यदि हमारा मन पवित्र है हमारी देने की भावना पवित्र है तो भगवान वो वस्तु भगवान को देने के पहले ही उसे खींच लेते हैं अपने पास तो इसके बारे में एक कथा है कि बरसाना में एक संत महात्मा रहा करते थे और इस संत महात्मा की ये विशेषता थी कि हर रोज़ और राधा रानी के दर्शन लेने जाते थे पट खुलने के बाद दर्शन मिलने के बाद ही पानी को छूते थे राइट प्रसाद लेते थे जो भी क्रिया करते थे पर उनका हर रोज़ का एक नियम था कि पहले राधा रानी के दर्शन है लाड अली के दर्शन बहुत बूढ़े हो गए थे अस्सी साल उनकी उम्र थी एक बार दर्शन ले रहे थे उनके मन में विचार आया भगवान गीता में कहते पत्रम पुष्पम फलम तोयम मैंने आज तक एक भी चीज़ भगवान को दी नहीं है बहुत सारे लोग चूड़िया लाते हैं बहुत सारे लोग नाना प्रकार के गहने लाते हैं राधा रानी के लिए कुछ प्रकार के लोग जिनके पास कुछ नहीं है वो फूल लाते हैं फल लाते हैं नारियल लाते हैं पर मैं कुछ नहीं दिया मैंने अभी तक राधा रानी को कितना मैं गिरा हुआ इंसान हूँ ऐसे खुद को यू you नो know, समझने लग गए कि मैं विचित्र इंसान हूँ मैं कुछ नहीं कर सकता राधा रानी के नाना प्रकार के विचार उनके मन में आ रहे थे तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं राधा रानी को एक चुनरी और एक लहंगा भेंट कर दूँ तो उन्होंने राधा रानी को प्रॉमिस कर दिया कि राधा रानी मैं इस तारीख को आपके लिए चुनरी और नया लहंगा आपके लिए बना के लाऊंगा। कृपया उस भेंट को आप ज़रूर स्वीकार करिएगा तो वो जल्दी से बाज़ार में गए मार्केट में गए उन्होंने बेस्ट ऑफ द क्लॉथ्स ख़रीदे चुनरी और लहंगा बनाने के लिए पैसे देकर और उसके ऊपर अलग अलग प्रकार के ज्वेल्स लगाने थे मोती लगाने थे तो वो भी ख़रीदे गहने यू नो रत्न लगाने थे तो वो ख़रीदे जो भी चीज़ रिक्वायर्ड थी वो खरीदे घर आए खुद उन्होंने सिलाई की चुनरी लहंगा बनाया उसके ऊपर वो सब मोती स्टिक किए चिपका दिए रत्न चिपका दिए और बहुत ही सुंदर बेहतरीन बेहतरीन लहंगा उन्होंने और चुनरी उन्होंने राधा रानी के लिए बनाई और मन में केवल एक ही विचार कर रहे थे कि मैं राधा रानी को इस लहंगे और चुनरी को पहनाने के बाद राधा रानी कैसे दिखेगी केवल एक ही विचार उनके मन में था कि राधा रानी कैसे प्रसन्न होगी राधा रानी कैसे दिखेगी इस इतने सुंदर कपड़ों में वो इतना उनका भाव पवित्र था तो जैसे ही कपड़े तैयार हो गए चुनरी लहंगा तैयार हो गया उन्हें लिया और मान मंदिर की तरफ चल पड़े और चल पड़े वो आपको पता है ऊपर है वो मंदिर तो सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे तो एक छोटी सी बच्ची उनके पीछे पीछे आ रही थी और उसने कहा कि बाबा आप कहाँ पे जा रहे हैं तो संत ने कहा बूढ़े संत ने कहा कि मैं ये राधा रानी के मंदिर में जा रहा हूँ आपको चाहिए वहाँ से बोले नहीं मुझे आपकी ये थैली चाहिए जिसमें आप राधा रानी के लिए कपड़े लेके जा रहे हैं तो उसने कहा नहीं 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 ये राधा रानी के लिए है मैं आपके लिए फिर से कभी लाऊंगा तो ये आज राधा रानी को मैं दे दूंगा मैंने खुद के हाथों से सिलाई है तो छोटी लड़की रोने लग गई बोली नहीं नहीं राधा रानी के पास बहुत सारे कपड़े हैं बहुत सारे वे लहंगे हैं बहुत सारी चुनरिया है मेरे पास कुछ नहीं आप मुझे दे दो ये तो महात्मा जी ने कहा नहीं नहीं बेटी ये आपके लिए नहीं है हम आपके लिए फिर से एक बार बनाएंगे मैं खुद बनाऊंगा आपके लिए तो ये राधा रानी के लिए हम लेके जा रहे हैं बोले नहीं बाबा मुझे चाहिए और रोने लग गई और फिर भी महात्मा जी बोले नहीं नहीं बेटा आपके लिए नहीं है तो उन्होंने पर फिर भी छोटी सी बच्ची थी नहीं मानी उसने क्या किया वो थैली को खींच लिया और खींच के भाग गई ऊपर की तरफ और ये संत महात्मा थे बूढ़े थे भाग नहीं पा रहे थे वहाँ ही बैठ के रोने लग गए और उन्होंने कहा राधा रानी से कि राधा रानी मैंने कितने पाप किए हैं कि एक इच्छा हुई मुझे आपको कुछ देने की वो भी मैं दे नहीं पाता कितना मैं विचित्र इंसान हूँ कितने मेरे पाप हैं कि कुछ भी यू नो मैं आपको दे नहीं सकता तो वो रोने लग गए वहाँ पे बैठ के और उसी समय वहाँ से कुछ साधु जा रहे थे उन्होंने पूछा क्या हुआ तो साधु महात्मा ने बता दिया कि ऐसे ऐसे हुआ मैंने लहंगा चुनंगी बनाई थी और छोटी बच्ची लेके भाग्य में कहा भी ढूँढूँ उसको तो उन्होंने कहा ठीक है कब अब बाद में कभी लाना चलिए हम दर्शन के लिए जाते हैं अभी कुछ समय बाद पट खुलेंगे तो साधु बोले नहीं नहीं मुझे दर्शन नहीं लेने मुझे डर लग रहा है मैंने राधा रानी को प्रॉमिस किया था प्रॉमिस किया था कि मैं आपको चुनरी और लहंगा दूंगा और मेरे पास कुछ नहीं अभी मुझे मैं आंखों से आंखें नहीं मिला पाऊंगा राधा रानी से मेरा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं आप चलिए हमारे साथ अभी और उनको ले के गए दर्शन के लिए और ये महात्मा जी कहीं दूर कोने में खड़े हो गए उन्हें डर लग रहा था कि राधा रानी से आंखें कैसे मिलाऊं क्योंकि मैंने उनको वचन दिया है राइट तो दूर खड़े थे कहीं कोने में और तब पट फूले और सब लोग जो जो से चिल्लाने लग गए राधा रानी की जय राधा रानी की जय यदि आप बरसाने गए हो, तो हो तो आपको पता है आपको एक्सपीरियंस यदि नहीं गए हो तो आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा राइट तो सब चिल्लाने लग गए और यू you नो know, ये भी महात्मा थे सोचने लग गए भी दर्शन लूँ कि नहीं लूँ तभी किसी ने बताया कि आज के जो दर्शन है बहुत ही सुंदर है कौन है वो व्यक्ति जिसने इतने सुंदर वस्त्र राधा रानी को अर्पण कर दिए तो जब उन्होंने सोचा बोले क्यों ना दर्शन ले लूँ इतने सुंदर दर्शन है तो जैसी आंखें खोली तो उन्हें देखा कि वही सलवार और लहंगा था जिसको उन्होंने बनाया था उन संत महात्मा ने बनाया था वो सोचने लग गए अरे ये जो लड़की थी छोटी लाली थी वो तो हमारी राधा रानी थी मैं पहचान नहीं पाया तो उन्होंने पूछा राधा रानी कुछ समय का इंतज़ार कर लेते मैं तो आपके लिए ही ला रहा था तो राधा रानी ने उत्तर दिया कि आपकी आपका जो भाव देख के आपका प्रेम देख के मैं मेरी उत्कटता मैं मेरी आतुरता छुपाए नहीं पाए मैं आपका प्रेम रस का पान करने के लिए इतनी आतुर थी कि मैं मैंने आपसे वो चीज़ छीन ली तो हम इस कहानी से एक चीज़ समझते हैं कि यदि हमारी देने की भावना यदि पवित्र है यदि हमारी देने की इच्छा तीव्र है तीव्र है तो भगवान देने के पहले ही उसे ग्रहण कर लेते धन्यवाद हरे कृष्णा